हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमारे किचन में बनने जा रही है मालपुआ। तो इसके लिए चलिए हम तैयारियां कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 2 कप दूध, और इसे एक रबड़ी बना ली है। तो 2 कप दूध में मैंने रबड़ी बना ली है। तो ये देखिए, रबड़ी बन चुकी है धीमी आँच पर। अब हम चाशनी के लिए ले लेते हैं 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी, और दोनों को मिलाकर मैंने एक अच्छे से चाशनी बना ली है। 2-3 इलायची डाल दी है। तो लगभग देखिए हमारी चाशनी जो है रेडी हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं, और हम पुए के बैटर के लिए ले लेते हैं 3 कप छोटी कप से मैदा, 1 कप सूजी ले लिया है मैंने, और पानी। मैंने पानी और दूध दोनों से ही बैटर बनाया है। तो आप चाहे तो पानी से भी बना सकते हैं और दूध से भी। मैंने दोनों को मिक्स करके बनाया है। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी डालकर पानी और दूध अच्छी तरह से एक बैटर बना लेंगे, और बैटर बना के इसे हम साइड में रख देंगे। तो आधी हमने सौंफ ले ली है, 1/2 टी स्पून खाने वाली सौंफ जो होती है वो सौंफ ले ली है। तो उसको आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट करके रख दिया है। और देखिए, हमारे आधे घंटे बाद तेल जो है गर्म हो चुके हैं। तो इसमें हमने पुए को तल लिया है और छान लिया है। तो धीरे धीरे करके हम इसमें सारे पुए को तल लेंगे। तो ये देखिए, हम डाल रहे हैं पुए को, और मैंने 3 पुए इसमें रेडी कर लिए हैं। दोनों तरफ से हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, पका लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए, हमारे जो पुए हैं वो धीरे धीरे धीमी आंच पे पक रहे हैं और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम इन्हें। तो ये देखिए, हमारे जो पुए हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो हम चलिए इसे चाशनी में डुबो लेते हैं, डिप कर लेते हैं तीनों को, और अच्छी तरह से हम इन्हें चाशनी में भिगो देंगे, ताकि ये जो चाशनी है पुए में अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए, गार्निशिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने प्लेट लगा दी है, गार्निशिंग कर लेते हैं। और रबड़ी ऊपर रखने के लिए गार्निशिंग करते हैं। जो मैंने रबड़ी बनाया वो रबड़ी मैंने इस पे गार्निशिंग कर ली है। और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।